हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस में निकली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है icr.gov.in। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो आपको ये पेज आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे रनिंग नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट इन ICCR। आपको इस पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक पीडीएफ खुल जाएगा। पीडीएफ डिस्कस करने से पहले आपको बता देते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चौथे मेन्यू पे जब आप आएंगे तो आपको ऑनलाइन फॉर्म्स का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके सामने खुल जाएगा। आप इस पे क्लिक करें तो नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में नोटिफिकेशन है, 1-1 पेज का, तो आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट इन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR एट वेरियस लेवल्स। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन ICCR टू दी फॉलोइंग पोस्ट। तो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है रिजर्वेशन वाइज, तो वो भी इसमें मैंशन है प्रॉपरली, तो आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम ऑफिसर के लिए टोटल पोस्ट है 8, जिसमें जनरल के लिए 5 है, SC के लिए 1, ST के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, OBC के लिए 2, PWD के लिए कुछ नहीं। असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर के लिए है 10 वैकेंसीज, 7 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, ST के लिए कोई नहीं, OBC के लिए 2, PWD के लिए कोई नहीं। असिस्टेंट के लिए है 7 वैकेंसीज, जनरल के लिए 4, SC के लिए 1, ST के लिए कोई नहीं, OBC के लिए 1, PWD के लिए 1। सीनियर स्टेनोग्राफर 2 वैकेंसीज कुल, दोनों जनरल के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफी 2 वैकेंसीज, दोनों जनरल के लिए। LDC में 3 वैकेंसीज, 2 जनरल के लिए और 1 PWD के लिए। SC, ST, OBC के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। दीज वैकेंसीज मेंशन्ड इन द टेबल अबव आर अवेलेबल इन ICCR हेडक्वार्टर एंड इट्स 19 रीजनल सेंटर्स डिटेल्ड अबव ऑन वेबसाइट। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड इन एनी ऑफिस ऑफ ICCR, तो चॉइस नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एंड इन्श्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस लाइक एज लिमिट, एसेंशियल जो भी है, क्वालिफिकेशन वगैरह, पेमेंट वगैरह सब आप कर ले और वो नोटिस पे उसकी सारी जानकारी आप पहले पढ़ लें आवेदन करने से पहले। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड थ्रू ICCR वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड फाउंड इन ऑर्डर एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशनड इन द एडवर्टीजमेंट विल बी एक्सेप्टेड। फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, आपको यहां क्लिक करना है। चलिए क्लिक करके एक बार देख लेते हैं कि यहां पर क्या है इसके अंदर। तो ICCR में वैकेंसी है, आपको मैंने बता दिया है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट कैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो रहेगी 17/3/2020, तो लिंक मतलब अभी खुल चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फीस इंक्लूडिंग फी पेमेंट वो आपकी रहेगी 8/4/2020, तो 8 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका आएगा 23/4/2020 को और डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की 2020, जो कि पर्टिकुलर डेट आपको बाद में बता दी जाएगी, अनाउंसमेंट उसकी हो जाएगी। तो यहां पर आप अपने जो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं और बाकी कोई असिस्टेंस आपको चाहिए तो आप इनके हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ज्यादा वीडियो को लंबा हम नहीं खींच रहे हैं, आप अपने आप खुद से देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जो भी आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, बेसिक इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस में डेट्स दी हुई है। एलिजिबिलिटी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पर जाके फिर से देख सकते हैं। बिफोर अप्लाइंग आप प्लीज ये एलिजिबिलिटी देख लें। और अप्लाई कैसे करना, बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, देन डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन,
और उसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, डिटेल्ड रजिस्ट्रेशन में आपको अपना फिल करना है सारा फीस वगैरह। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स और ये आ गई आपकी डिटेल्ड की। तो फीस आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी वाइज, तो जनरल ओबीसी के लिए 500, ईडब्ल्यूएस के लिए 250, एससी के लिए 250, एसटी के लिए 250, पीडब्ल्यूडी के लिए 250, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 250। तो ज़्यादा नहीं है फीस, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये पेमेंट आपकी ऑनलाइन रहेगी प्रॉपरली। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप एक बार रीड कर लें, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, उस पर SMS आएगा या ईमेल आईडी पे, तभी आपको उसका पासवर्ड मिलेगा, बेसिक जनरेशन का जो आपका पासवर्ड जनरेट होगा। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा मैं नहीं खींच रही हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन है सारी। तो जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो ICCR.gov.in की वेबसाइट पे जाके और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो इस वैकेंसी से रिलेटेड या अदर वैकेंसी से रिलेटेड, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल एड्रेस पर, और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।